किया जाए, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। खैर इसके अनबॉक्सिंग तो मैं करूंगी नहीं क्योंकि इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है। इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और इसको मैं ऐसे ही रखूंगी। ये है एक जिसके अंदर बहुत सारी प्यारी प्यारी हील्स हैं, खुस्से हैं, आप लोग को ऐसे ही नजर आ रहा होगा। तब से ये ब्लैक खुस्से आ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, सारे ही बहुत ज्यादा प्यारे हैं। इसको भी हम एज इट इज ऐसे ही रख देंगे। स्टार्ट करते हैं इससे, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। गाइस मैं अनबॉक्सिंग के मामले में बहुत खराब हूँ, मुझसे होती ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं असली रूप वाली अनबॉक्सिंग करूँ ना, आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। इतने प्यार से मैंने जिंदगी में कभी अनबॉक्सिंग नहीं की होगी जितने प्यार से मैं ये बास्केट की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। स्पेशल है ना गाइस। ओह सच अ प्रिटी, आई गेस ये अनस्टिच है बट ये बहुत प्यारा कपड़ा लग रहा है। कलर एक्चुअली बहुत ज्यादा प्यारा है और डिजाइन इसमें बहुत ज्यादा प्यारा है। और सच में मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है क्योंकि एक जब भी मर्जी होती है ना, वो ही सबसे अच्छा होता है। जब भी स्ट्रेच होगा ना, मैं आप लोगों को स्टाइल करके जरूर दिखाऊंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्यूट सी बास्केट जिसके अंदर मुझे ज्वेलरी नजर आ रही है। इस बास्केट के अंदर मेरे पास है बहुत प्यारी सी गोल्डन चूड़ियां, साथ ही साथ छोटे छोटे इयररिंग्स हैं। मजे की बात ये कि बॉक्स में है तो आराम से मैं बॉक्स वगैरह जो है ना आराम से पैक करके रख सकती हूँ। और क्यूट है, वेरी नाइस। ये है हमारे पास नेकलेस और इसी के मैचिंग के टॉप्स। अभी भी यहाँ पे मेहंदी भूली भाई, मुझे सच बताऊं तो ये छोटी छोटी क्यूट क्यूट से झुमके जो है ना, इतने क्यूट लगे ना कि बस क्या ही बताऊं। खैर नेक्स्ट मैं ओपन करने वाली हूँ ये वाली प्यारी सी बास्केट, तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है ये परफ्यूम। ओह ये बहुत प्यारे से कड़े। मेरे पास छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी सिल्वर में चूड़ियां। ग्रीन के जितने भी शेड्स होते ना मुझे बहुत पसंद है और ये वाला शेड तो मेरा मोस्ट फेवरेट। नेक्स्ट है मेहंदी और ये तो बहुत मेरे ख्याल से मस्ट होता है। ईदी हो या गिफ्ट हो, ससुराल की तरफ से जो भी आता है उसके अंदर मेहंदी तो मस्ट है। और जब से ये मेहंदी लगी हुई ना हाथ में, तो दुल्हन दुल्हन वाली फीलिंग आ गई, बट बहुत प्यारी फीलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है क्लच। ओ प्रिटी, ये कितना प्यारा है। की बहन की बैग कलेक्शन में ना ये दोनों भी एड हो चुके हैं जो की बहुत ज्यादा प्यारे है। यहाँ पे जो ये मेरे पास 3 बास्केट्स बची हैं, इसके अंदर भी बहुत प्यारे प्यारे से कपड़े हैं, बहुत प्यारे प्यारे एक्चुअली कलर्स हैं। सच बताऊं तो कलर्स के मामले में ना आपकी बहन बहुत ज्यादा चूजी है। मुझे ना इतनी आसानी से हर कलर पसंद नहीं आते। अब आप लोग सोचोगे कि इवेंट्स में आपने इतने यूनिक कलर्स पहने, तो सच बताऊं इसके पीछे भी पूरी एक एक हिस्ट्री है। जो इतने ड्रेसेस दिखाए गए हैं, भैया ने इतने ड्रेसेस पसंद किए, मम्मा ने अलग पसंद किए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा ड्रेस का कलर मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। और मैं हमेशा से चाहती थी कि ऑब्वियसली जब मेरा इवेंट आए तो उसमें मैं बिल्कुल अलग लगनी चाहिए, बिल्कुल अलग कलर हो, मैंने कभी पहना ही ना हो। तो वही हुआ, ढोलकी वाला जो ड्रेस था उसका कलर कितना ज्यादा यूनिक था। एंगेजमेंट वाला था वो कलर भी मैंने उससे पहले कभी नहीं पहना था। फंक्शन का कलर, ड्रेस, हर चीज मुझे बहुत दिल से पसंद थी, दिल से मैंने अपना हर लुक क्रिएट किया था और आप लोगों ने इतना पसंद किया, मुझे बहुत खुशी हुई है। सारे कलर्स भी बहुत ज्यादा प्यारे हैं। ये जो स्नैक्स वाली बास्केट होती है ना,